वसुदेव नंद बाबा ने कहा, बाबा बड़ी कृपा करी कि आज मेरे घर आप आ गए, जल्दी से मुझे आशीर्वाद दो। देख बाबा, जिस दिन से मेरे घर में लल्ला का जन्म हुआ उस दिन से आफत भी आफत आ रहा है, न जाने हम कैसे शांति से रहें। आप कोई आशीर्वाद करो, कोई चटनी चूरन दे दो, जड़ी बूटी दे दो, झाड़ फूक कर दो, ताकि हमारे घर का ग्रह शांत हो जाए। गर्गाचार्य कहते, अच्छा तुम्हारे घर लल्ला का जन्म हुआ? कहते हाँ बाबा, दो बच्चे हैं। अच्छा तो नाम क्या रखे हो, कितनी उम्र? कहते साल भर के लगभग हो गए, नाम क्या रखे हो? नंद बाबा कहते, लो हम तो नाम रखना ही भूल गए। गर्गाचार्य कहते, जय हो नंद बाबा, इतने साल हो गए, साल भर हो गए, नाम भी नहीं रखे बच्चे का, कैसे पुकारते हो? कहते मत पूछो बाबा, सब अपने अपने हिसाब से पुकार लेते हैं, पर नाम तो अभी तक है नहीं। पर आप जब आ गए हो तो आप ही कृपा करके मेरे लला का नाम रख दो, बड़ी कृपा होगी। गर्गाचार्य चौंक गए, खबरदार यदि मेरे द्वारा नाम रखवाओगे हैं, यदि कंस ऐसा क्रूर है, चंडाल है, उसको पता चल गया तो तुम्हें लेने की देनी पड़ जाएगी, इसलिए मैं तो नाम नहीं रखूंगा भैया। अब नंद बाबा दुखी हो गए। तो गर्गाचार्य मुनि कहते, देखो भाई हम तो दुखी नहीं देखना चाहते, चलो जब हम आए गए तो कुछ करना चाहिए, तो ऐसा करो कि तुम ऐसा जगह बताओ कि जहाँ पर कोई जान न सके, तो गुप्त तरीके से मैं नामकरण कर सकता हूँ। नंद बाबा कहते, बाबा घबराना मत, हमारे गौशाला में किसी का पहुँच नहीं है, परिंदा भी पर नहीं मारता, आप वहीं पहुँचो, हम अपने लल्ला को लेकर पहुँचते, नामकरण कर दो बस। तो गर्गाचार्य मुनि पहुँच गए गौशाला, और सुंदर सा आसनी जमा करके चमीता धुनी रमा दिए और वहाँ पर ध्यान लगा दिए, और इधर से मैया यशोदा और रोहिणी मैया अपने अपने लल्ला को लेकर जा रहे हैं। एक दो कोई कुर्सी लेकर के यहाँ बैठिए ताकि इनको अकेला महसूस नहीं, एक दो आदमी सुलेखा आ जाओ, तो इस तरह से कैसा महसूस नहीं हो। तो यशोदा मैया रोहिणी मैया अपने अपने लाला को लेकर आती है, आप लोग इधर ध्यान दीजिए, ध्यान से कथा को सुनिए, लाभ होगा, एक दो कुर्सी लेकर के बैठे तो ऐसा महसूस ना हो। तो यशोदा मैया ने अपने लाला को रोहिणी मैया के गोद में, और रोहिणी मैया ने अपने लाला को यशोदा मैया के गोद में, और इस तरह से अदला बदली लाला का कर लिए, और गर्गाचार्य मुनि के पास दोनों पहुंचते और कहते, बाबा महाराज राम राम। अब समाधि खुली गर्गाचार्य मुनि की, तो पहले प्रभु का दर्शन किया, और जैसे देखा तो देखते ही रह गए, टकटकी लग गई, प्रेम समाधि लग गई, अब न पलक झपके, न शरीर हिले, न डोले, तस से मस नहीं, काठ की मूर्ति हो गए। अब यशोदा और रोहिणी विचार कर रही कि बाबा को क्या हो गया, हिल डोल भी नहीं रहे हैं। रोहिणी देखती है नाक पर हाथ देखी तो सांस की भी गति रुक गई, अब यशोदा रोहिणी घबरा गई कि हे भगवान, ये बाबा को कौन सी बीमारी हो गई, ये क्या कर रहे हैं। यशोदा मैया कहती, शायद मेरे लाला की भविष्य रेखा को पढ़ रहे हैं, माथे की लकीर को पढ़ रहे हैं, बड़ी देर हो गई। यशोदा और रोहिणी घबरा भी रही है। रोहिणी कहती, बहन हमें लगता है कि बाबा का राम नाम सत हो गया है, ये तो सांस भी रुक गई, धड़कन भी बंद है, नारी भी डूब गई, अब क्या होगा, ये तो आफत मेरे घर में आने के लिए देने के लिए आ गए, क्या करें। यशोदा मैया कहती, रुक मैं हिला डुला के देखती हूँ। यशोदा मैया नजदीक गई, बाबा का गट्टा पकड़ के जोर से हिलाती, अरे बाबा जगो जगो जगो, अब आँख खुली। कहती, यशोदा मैंने तेरो लाला का नाम सोच लिया। यशोदा कहती, मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारा काम तमाम हो गया, तुम क्या सोच रहे थे, ऐसे कोई सोचने का तरीका है? आँख खोल दिए, सांस रोक दिए, कौन सा सोचने का स्टाइल है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयं सुहृदे गुणे आख्यास्यते रामेति बलाधिक्या देवलं विदो। मैया तुम्हारे गोद में जो बच्चा है ये रोहिणी का बेटा है। यशोदा रोहिणी एक दूसरे को देखती है, बहन बात जो भी हो लेकिन पक्के महाराज जी हैं ये, हम लोग अपने बच्चे को अदला बदली कर ली और ये पहचान गए। अच्छा तो नाम, गर्गाचार्य जी कहते हैं, यशोदा तुम्हारे गोद में जो लाला है वो बलों का धाम होगा, इसका नाम राम होगा, पर ये अत्यंत बलवान होंगे, निर्बल के बल होंगे, इसीलिए लोग इसे बलराम कहेंगे। तुम सब गोपियों की, ब्रजवासियों की हमेशा रक्षा क्या करेंगे।
तो जो निर्बल का बल बने वो बलराम कहलाता है, और जो निर्बल को सताए वो बलराम नहीं बल रावण कहलाता है। निर्धन को आप धन दीजिए आप धनवान हो जाइएगा, पर निर्धन से धन लूट लीजिए आप शैतान हो जाइएगा। आपकी विद्या यदि अज्ञानी के काम आए तो आप विद्वान हो जाते हैं, यदि आपकी विद्या अज्ञानी को दुख पहुंचाए तो आप विद्वान नहीं मूर्ख हो जाते हैं। आजकल बड़े बड़े LLB पढ़ पढ़ करके वकील साहब बन जाते हैं, बक बक करके झूठ को सच सच को झूठ कर देते। तो आज ये बल निर्बल के बल होंगे, बलराम कहलाएंगे। और जब लाला प्रभु के नामकरण की बारी आए, अब गर्गाचार्य जी का पोथी पतरा सब फूल हो गया। कहते मैया इनके नाम की तो बात ही मत पूछो, सब धरती कागज करो लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करो तो हरि गुण लिखा न जाए। दुनिया का सारा कागज कलम कॉपी कलम भर जाए पर इनका नाम कभी फूल फील होने वाला भरने वाला नहीं है। हरी अनंत हरी कथा अनंता का सुनय वो विधि सब संता, ये अनंत नाम गुण है दादू सृजनहार के, केते नाव अनंत बहुत नाम है इनके। मैया वो निसंति नामानी रूपानी चे गुण कर्मानुरूपानी तान्य हम वेदनो जना, बहुत नाम कर्म गुण इनके हैं। देख मैया हर युग में हर कल्प में तुम्हारो लाला का अवतार होता है। एक एक कल्प में तुम्हारा लाला सूकर बन के आया, एक कल्प में मछली बन के आया, एक कल्प में नरसिंह बन के आया, एक कल्प में मछली बन के आया, एक कल्प में ये बन के आया वो बन के आया। एक से एक प्रसंग सुनाने लगे गर्गाचार्य। यशोदा मैया आँख मिड़ मिड़ करके कान चौकन्ने होकर के सुन रही है। बाद में कभी देख बाबा ये हजार लाख जन्म से हमको कोई मतलब नहीं है, इस समय की बात करो कि इस समय मेरो लाला क्या है। गर्गाचार्य कहते मैया इस समय तो तेरो लाला तुम्हारा ही लाला है। और कहते बहुत हजार लाख नाम से मुझे मतलब नहीं, मुझे एक छोटा सा प्यारा सा नाम बता दो, मुझे बहुत भविष्यवाणी नहीं सुननी है। गर्गाचार्य कहते देख मैया इस समय जो तुम्हारे लाला का नाम होगा वो होगा श्री कृष्ण चंद्र। यूँ कह के गर्गाचार्य ने दक्षिणा पाने लेके और अपना सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हुए वहाँ से चल पड़े विदा लेकर। और इस तरह से अब यशोदा रोहिणी सोचती है, कहती है कि बहन ये बाबा महाराज ने तो नामकरण कर दिया पर ये नाम हमारे जी में उलट रहा है, ये उच्चारण ही नहीं हो रहा है, तो क्या करें। तो अपने नाम चुन लिए, अब बलराम जी को बलवा और भगवान कृष्ण को कन्हवा करके मैया यशोदा पुकारने लगे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ये यशोदा मैया का दिया हुआ ये कन्हवा कन्हैया कृष्ण नाम है, प्यारा सा नाम है, प्यार से भाव से भक्ति से लिया गया नाम है। तो भगवान क्या करते हैं कैसे करते हैं कोई मतलब नहीं है, पूजा की विधि कोई पूर्ण नहीं है, पूजा करने में कोई पंडित दुनिया का आज है आपको पूर्णता से पूजा नहीं करा सकते, सब में गलतियां हैं, गलती ही गलती है। इसीलिए एक मंत्र है यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च तद् भवे तत्सर्वम क्षम्यताम देव प्रसीद परमेश्वर। यदि मैं पद भ्रष्ट हूँ सही से उच्चारण नहीं किया सारी गलतियां भी है फिर भी आप क्षमा करें और मेरी पूजा स्वीकार करें, नहीं होता। तो इस तरह से कौन सा मंत्र कैसी मंत्र किस भाव, कोई भी मंत्र आप जपिए पर प्रधानता भाव की होती है। जब भाव से हम उस भक्ति मंत्र का जप करते हैं तो वो भाव प्रधान भगवान भाव के ग्राही होते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर मैया यशोदा का भाव ही प्रधान है, भाव से ही भगवान कृष्ण को कन्हवा कन्हैया करके पुकार रही है।